जाते हुए हम उन सारे बोर्ड पे काले बाल के जाएंगे जिस पे लिखा हुआ है बंजोसा झील पे खुशाबदीद। बस ठीक है यार, जो हो गया जो हो गया बेहतर हो गया। हमने इंट्रो पहले करवा दिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन लेंस जूम हो गया हुआ था तो हमारी ना कही सिर्फ। तो अब हम बताते हैं कि हम बंजोसा जा रहे हैं, और रात को प्लान बना था, बहुत सडन प्लान था। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भाई तुम कश्मीर गए कब? बंजोसा तो कश्मीर में आता है ना। उसका आंसर यह है कि जब आपने लाहौर वाला मेरा व्लॉग देखा था, उसके बाद मैं आगे 6-7 दिन के लिए एक फैमिली टूर पे कश्मीर चला गया था। कश्मीर में मेरी नानी अम्मा साइड की सारी फैमिली रहती है, जिसकी कंप्लीट स्टोरी आपको अगले व्लॉग में मिलेगी। तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मेरी मामा की खाला का घर है, तो हम वहाँ सारे इकट्ठे हुए थे। स्पेशल थैंक्स टू हसान और जैद, ये मेरे कहने पर बड़ी जल्दी में आए थे मीरपुर। तो वहाँ से एक दिन प्लान बना था, सडन प्लान था बंजोसा जाने का। तो ये वीडियो उसके बारे में है, तो सफ़र शुरू करते हैं। मेरे साथ मेरे 4 हमसफर मौजूद थे, दानी मामू, हसान, अनस और जैद। सफ़र पर निकलने पर सबसे पहले टंकी फुल करवा लो, क्योंकि भाई पहाड़ी सफ़र है और इस सफ़र में ज़रूरत पड़ने पर पेट्रोल पंप ढूंढना एक मिशन से कम नहीं है। अगर तगड़े हो, धक्का लगा सकते हो, तो बेशक पैसे बचा लो। अब गाड़ी की टंकी फुल करवा ली है, तो तुम्हारी अपनी टंकी का क्या कसूर है, इसे भी भर लो। हाजी, अभी रास्ता शुरू हुआ था कि हमें पहले महसूस हुआ कि कुछ खा लेना चाहिए, या वो लस्सी पीने लगे हैं सारे। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैंने इनके साथ ना पी तो फिर भूखा रखेंगे। देख तो नहीं रहा दुकान वाला, इतनी को मजा ही नहीं है। तो वही है कि जब हम बिल दे रहे लगे तो पता चला कि सिर्फ 30 रुपए की है। 30 रुपए तो ठीक थी, 30 रुपए मिलावट वाली थी, लेकिन 30 रुपए की थी ना। 60 रुपए का गिलास है, 60 का गिलास है। मैं तो उन्हें कह चुका हूँ कि 30 का, बाकी सब मैंने अपनी बात वापस ली। लस्सी पीने के बाद हम एक जगह नाश्ता करने के लिए रुके थे। हमने पराठों के साथ ये खाया था, और ये का नाम मुझे अभी याद नहीं है। अलबत्ता चाय रूह को गर्मा देने वाली थी। हम आज ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पर परियां उतरती हैं, जिस जगह की खूबसूरती का दास्तानों में जिक्र आता है। बंजोसा झील पर जाने का आइडिया हसान का था। इसे किसी ने बताया था कि दूर पहाड़ों के दामन में पानी का एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कश्मीर में फैले हुए हैं। हाय, आपने अभी बहुत कुछ देख रहा है, बहुत कुछ जान रहा है। कमज़ोर दिल ल तो दिल पर हाथ रख लिया। तंबाकू नोशी, कृपया ध्यान दें, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बस में सिगरेट नोशी मना है। कितने कितने किलोमीटर, कितने हैं टोटल? 150 किलोमीटर है यहाँ से टोटल। बंजोसा, बंजोसा 150 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर तो कोटली है। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप जो हमारी मंजिल है वो भी 4 घंटे दूर है। बंजोसा जी, हाँ जी, कहाँ से निकले हैं? साढ़े छः निकले थे हम सुबह, रात 3 बजे सोए थे सारे। सफ़र बहुत लंबा और थका देने वाला था, लेकिन मुझे पता था कि जैसे ही मेरी नज़र झील के नीले पानी पर पड़ेगी तो इस सफ़र की मुश्किलात की कीमत अदा हो जाएगी। अच्छा बस कर डा यार, कितनी तारीफें करेगा, और आपने भी इसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर डा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो आप अभी नहीं चाहते, लेकिन चंद लम्हों में जान जाएंगे। हमारे बंजोसा पहुँचने तक भाई गाड़ी खर्राटों से गूंज रही थी, लेकिन मुझे बंजोसा झील देखने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे नींद ही नहीं आई। हाउ क्यूट, मर्दी है यार, कहाँ गाड़ी लगवा दी मेरी। हम झील पर पहुंच चुके थे, और झील कितनी हसीन थी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा रहे कि मैं झील पर खड़ा होकर एक बंदे से पूछ रहा था कि भाई झील किस तरफ है। हम बंजोसा झील आए, और सीरियसली हाईली ओवररेटेड प्लेस यार, ये झील कौन कहता है इसको, 6.5 घंटे लगा कर आए हैं यार। ये मुझे बता, झील कैसे है? इतना गंदा पानी यार, ये देख गंदा पानी, मुझे ये नहीं समझ आया इसे झील क्यों कहते हैं। कह रहा पानी खड़ा हुआ है ऐसे, ये देखो सारे कराची में ऐसा पानी खड़ा हुआ है। हाय हाय, मैंने ये क्या किया। हमें जानी बाबू ने रात को ना आइडिया दिया था कि चलते हैं इकट्ठे। नहीं, मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती के खिलाफ हूँ, लेकिन जानी बाबू रस्ते में इतनी खूबसूरत जगह आई थी, बहुत खूबसूरत, सारा सफर खूबसूरत था, वादियाँ खूबसूरत थी। 6.5 घंटे हम सफर करके यहाँ पहुंचे, और
पानी गड़ा हुआ है और हमें बताया गया कि ये झील मैन मेड है, यानी कहीं से पानी आ रहा था उन्होंने रोक के झील बना दी। मुझे नहीं जरूरत था ये पानी रोकने की, क्या जरूरत थी जाने देते जा बेचारा जा रहा था। एक टिप है, अगर आप कभी भी बंजोसा झील आएँ तो इधर मुंह करने की बजाय इधर मुंह करके बैठे, ये बेहतर जगह, बेहतर व्यू है। अब वो इंसान आ रहा है, पूछने लगा जगह कैसी लगी आपको, ये जो आ रहा है इसके पीछे। आसान झील पे कब जाएगी अब, बस ठीक है यार जो हो गया। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे झील से आखिर मसला क्या। आप फ़र्ज़ करें कि मुझे मुस्तकबिल में कोई महबूब मिल गया, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे नहीं मिल सकता। फ़र्ज़ तो कर सकते हैं ना, फ़र्ज़ कर लें कि माँ बाप की दुआओं और रिश्ते करवाने वाले आंटी की दिन रात मेहनत से मुझे महबूब मिल गया, ठीक है। अच्छा जादू टोना करवा के मिल गया, अगली बात कर लूँ मैं अब तो। जब इतनी मन्नतों मुरादों के बाद मुझे कोई महबूब मिलेगा तो जैसा भी होगा मैं तो यही कहूँगा ना कि तुम्हारी आँखें झील जैसी हैं, और मुझसे पूछ ले कि कौन सी झील, मैं उसे बंजोसा झील दिखा दूँ तो ज़िंदगी भर के लिए दोबारा अकेला हो गया ना मैं। इतनी मिट्टी डाली है मेरे महबूब की आँखों में, वो तो अंधा हो गया होगा, लोगों ने डेज के रैपर फेंके हुए उस पर। क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या एंगल सोचे हुए थे, सोचा क्या निकला है, क्या क्या एंगल सोचा, सोचा था कि फोटोग्राफी करेंगे, नहीं ऊपर चलते जंगल में उधर ट्रैक है। दिल तो मेरा ये कह रहा है मैं जंगलों में निकल जाऊं, चलते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो हमारे अंदर लगी इस आग को ठंडा कर सकती थी, वो थी अच्छे पकोड़े। अब पकौड़ों की स्मेल इधर अच्छी आ रही है अब 6 घंटे दूर इसकी स्मेल भी अच्छी आ रही थी ये तो बात सच है, पकौड़े वाकई अच्छे थे। अच्छा मसला ये नहीं था कि हमने 6 घंटे ज़ाया कर दिए, उससे भी बड़ा मसला ये था कि अभी हमें 6 घंटे दोबारा सफ़र करके मीरपुर वापस जाना था, क्योंकि भाई आपके टार्जन बन के सारी रात नहीं सोए थे और अब ना सोए हुए तकरीबन 36 घंटे गुजर चुके थे। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, बनती है कि जब हम झील के ऊपर छोटा सा ब्रिज लगा हुआ था वो क्रॉस कर रहे थे तो ये जो सीन था ना ये मैंने तब गौर नहीं किया, लेकिन इसको देख कर लगता है कि अगर बारिश ना हुई होती और इतनी मिट्टी ना गई होती पानी में तो शायद मेरा रिव्यू इसके बारे में चेंज होता, शायद ये जगह थोड़ी सी बेहतर लगती। और वहाँ हमें किसी ने ये भी बताया था कि यहाँ पानी को पहाड़ों से आते हुए ज़बरदस्ती रोककर झील बनाई गई है, झील का अपना कोई इरादा नहीं था बनने का, ज़बरदस्ती की गई है। और भाई देशद्रोही होने के इल्ज़ाम ना लगा देना, मैंने अगले व्लॉग में कश्मीर की खूबसूरती का तफसील से ज़िक्र किया हुआ है, तो माफ़ कर दीजिएगा ऑनेस्ट रिव्यू देने पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।